मॉर्निंग सारिया नू और मेरा भी होएगा तो गुड मॉर्निंग सारिया नू। आज सजदी सवेर विच मैं तानू दिखाण आई हूँ मॉर्निंग विच आनंदपुर साहब जी का नज़ारा। और हुण फिर दोबारा रश चालू हो गया है और मार्केटां सजियां पईयां ने, साफ सफाइयां हो गईयां ने, दुकानां लग रहीयां ने और देख सकते हो लोग कि तरह आ रहे हैं हम आके मेला देखने लई। और साड़ी तो ट्रेन ही सेम डे वापस है तो मैं पूरा मेला नहीं देख पावांगी होला मोहल्ला। और ये साड़े बीबी भैन जी भी तैयार हो चुके हैं, गोगा भैन जी। और ये है तीन तितलियां और ये हो गया है कॉस्मेटिक सेल, 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। और मौसम ने भी देखो की तबाही मचाई हुई है, अर्लिंग मॉर्निंग सुबह का ही मीह आई जा रहा है। तो हुण देखो मैनू पता लग गया है कि मीह होने करके मेरा लाइट कलर का सूट गंदा हो जा रहा है। 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये सेल। और सिद्धू मूसेवाला बाबा जी विक्की विक्की मेरा भरा सानू मिल गया सी गुरुद्वारे। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਬੂਤਰ ਵਹੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਔਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਲੈਨ ਫਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀ 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 ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰੋਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੋਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗੋਗਾ ਭੈਣ ਜੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ? ਕੌਨਟ੍ਰੋਵਰਸੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਕੈਬ ਵਾਲੋ ਮੇ ਜਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਮੇਲਾ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, 200 ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੋਕ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਮ ਮੇ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਥੀ ਵੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲੇਟ ਆਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਵੋ ਵੀ ਬਸ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੋ ਹਮਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗਾਇਸ ਗਾਇਸ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗਾਇਸ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ
चल के। अच्छा तो गाइस ये आपको बताएंगे कैसे चल के गई थी ये पता करने बस का। ये अपनी चप्पलों का ही रोना रोई जा रहे हैं। और ये है आनंदपुर साहिब बस स्टैंड। तो बहुत कर्मा पागा वाली लोग होंगे जड़े आंदे आनंदपुर साहिब स्टैंड। तो आके वापसी असी लोगों ने थोड़े जे खाए पॉपकॉर्न और लिया मौसम का नज़ारा। और इधर बैठे हुए ने पुलिस साहब को गली दी मौसम और हजे अनुज ने बिल्कुल नहीं मिली है बस। असी लोग हुण आया गोगा दीदी नूं लब्भण अंदर मेले च सानूं दिख नहीं रही है। हुण सानूं ये ही है कि किते अंदर बंदूकां बंदूकां नाल चला रही होवे। अभी कहाँ है गोगा फिर चलो ढूंढना तो पड़ेगा ना उन्हें। ये मेरी एक निशानची बहन ने देखते कितने बैलून फोड़ दिया शेती। वाह कुछ भी नहीं हुआ। गया हेलो हाँ आओ चलो एक तो हो गया नहीं हुआ नहीं, घोड़े को मारा ना। यार तुम बैलून नहीं फोड़ रही हो भैया ये छोटे मोटे नहीं रिद्धि सिद्धि मेकओवर की ऑनर है तो ये घोड़े कूड़े ही फोड़ेगी सीधा। गया एक घोड़ा गया और एक हपाली। हाँ इधर देखना मेरे वाल जो इससे टकराएगा बस हो गया फोटो क्लिक चूर चूर हो जाएगा। मेरे को नहीं करना तो किवें दा लग रहा है गन शूट करके। गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन। तो ये है गुरुद्वारे का एंट्री गेट देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सोहना सजाया होया है। और मत्था टेक के फिर आने वापस जिन्ना हो सकता तुहानू व्लॉग विच मैं कवर करन दी कोशिश करांगी। तो बाद चो देखते हैं की हुंदा है। और पब्लिक तुसी देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। और मैं सिर ते अजे चुन्नी लीती नहीं है चुन्नी सिर ते लै ली गए पब्लिक है भाई। मेरा पर्स ही गिरता रहता है पीछे की तरफ बंद निकल जाना बहुत ऊंचाई चढ़ाई अभी तो हम भान ही गए हैं। थोड़ी जी चढ़ाई सी चढ़ के असं लोग आ गए हूँ गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन जा। वाहेगुरु जी किन्ना सोहना लग रहा मत्था टेक लिया दीदी फ्रेश नहीं हुई ना ऐसे अच्छा सा नहीं। तो ममता दीदी ने मत्था उत्था टेक के आराम से बैठ गए और यहाँ पर मिल रहा है शरदाई का प्रसाद। और ये साढ़े नारायण सिंह की पहुँच जा रही है। ये बहुत पुराना ही बरगद का पेड़ है। और असी गुरलीन केसर और श्री ने बोले कि सानू इधर ही आके मिलना। वाहेगुरु जी बहुत ही ज़्यादा सोहना व्यू है बहुत ही क्योंकि कैमरे चो सब नहीं आ पाएगा जो ही एक आपां इधर आके दर्शन कर सकते हैं। और इधर होती है कड़ा प्रसाद दी दे दा प्रसाद। गुआचे नहीं है बच्चे चप्पल जोड़ा जमा खान गए सी जो लाइन च ला गया मत्थे वाले हुण असीं मत्था नहीं टेक रहे हैं। भी है बहुत वधिया लग रहा है। इधर है गया माड़े जे छेल मा,
ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਡੋ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। वो उस तरफ खड़ बैठा होता है दीदी। सो वाकई आज मैं ट्रैक्टर बहुत पास से देख रही हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे ट्रैक्टर इन्होंने बहुत बढ़िया मॉडिफाई करे हुए हैं, और मैं भी बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। सामने वाले भी देख सकते हो कितना बढ़िया चल रहा है। हर किसी ने अपनी सहूलत के हिसाब न अपने ट्रैक्टर्स नू इन्ना वधिया डेकोरेट करया होया है कि जिन्ना सी एक अपना क्यों बहुत बड़ा चश्मा लगवा के मेरा ट्रैक्टर मॉडिफाइड होया, तो जो भी है बहुत ही शानदार है। बाकी की वीडियोस में तुम दिखानी है उन्हें क्यों फिर अच्छा इन्होंने भी उधर लेके चली जानी है ना ट्रॉलियां। ले लो दवाई, ले लो दवाई। और सामने मेडिकल, प्री मेडिकल कैंप। तो हमारे कंधों में दर्द था, तो हमने रात को एक मेडिसिन खाई थी, और वो सामने माता रानी का दरबार है जिन्हें अज तक सानू वापस करता है, और हम लोग गए नहीं है। सो इस गुरुद्वारे में बड़ा स्वाद लंगर मिलता है। वीक लग रहा है तो बॉडी नू असी रिकवर कराने लई इत्थों दी लिता फ्री मेडिकल कैंप तो दवाई, और बीपी चेक कराया, और इत्थे संता जी दर्शन करे, गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करे, और हुण असी लोग चले आ वापिस अपने रूम च रेस्ट करन लई। तां जिन्ने जिन्ने कदी आनंदपुर साहब जी दे दर्शन नहीं करे, तां सो वो लोग भी आके दर्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा दर्शनां दा तां मज़ा लैणा तां होले महल्ले ते कर सकते हो। सारा घूम फिर के आ गए। नैना देवी जाना था, नैना देवी हम नहीं गए, और अब जाएंगे, बट अभी थोड़ा रेस्ट करके बच्चे चले गए हैं रूम में, और अब हम भी जा रहे हैं रूम में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होएंगे, फिर निकलेंगे। नैना देवी से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इतने चल रही थी फ्री गन्ने की सेवा का रस, और असी एक एक कटोरी पी चुके हैं, हम एक एक कटोरी पीन का होर मन है, मैनू भी होर चाहिए। अब चुप क्यों कर गए? देवी कर गुरुदेव मोपा
वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये है केसगढ़ साहिब दा शाम दा व्यू, और देख सकते हो कि कितना ही सोहना कर रहा है, दर्शन हो रहे हैं थानू लोगों, और नाल ही ये मेले के दर्शन मैं थानू कराना चाह रही हूँ। ये आप देख सकते हो कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये है पूरा केसगढ़ साहिब, लंगर चल रहा है नीचे, और वाहेगुरु जी की फतेह। तो मैं तुहानू किसी भी अपनी वीडियो च नहीं दिख पावांगी, क्यों? क्योंकि मैनू वीडियो एवें ही बनानी है। और ये है गुरुद्वारा श्री किला साहिब, और हुण मैं नीचे आई हूँ बौली साहिब के दर्शन करन लई, और देख सकती हाँ 84 पौड़ियाँ ने, तो हुण 84 पौड़ियाँ के बाद नीचे बौली साहिब के दर्शन होने हैं, और मैं ध्यान नाल जाना पेगा। पूरी ही सीढ़ियाँ वाइट पत्थर दी हैं, सो सेफ जर्नी करांगे, तो हर कोई सेफ ही रहेगा और असीं भी सेफ रहांगे, तो इसलिए वाहेगुरु का नाम बहुत जरूरी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, मेरी जिन्नी भी ऑडियंस है, ये है गुरुद्वारा श्री किला साहिब आनंदपुर साहिब, और ये है गुरु जी का किला, और इसका इतिहास है, और ये गुरु जी का पांच किलिया चो एक किला है, और इसका इतिहास मैं तुम मॉर्निंग दसांगी इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं अपना रूम च भी जाना है वापस, और हुणे असीं बौली साहब के दर्शन करके आए हैं। और इधर ही तुहानू पता है मेरी सिस्टर रणजीत मैना वेट कर रही है, और तुहानू मैं दिखानी हाँ किला साहब की फोटो। हम अस मत्था टेकन चले हाँ किला साहिब गुरुद्वारे से।
ये है किला साहब जी दे उत्तों दी दा पंजाब दा व्यूज, और ये है आठवां अजूबा जो तुसी देख रहे हो, पूरा आठवां अजूबा है। इधर असी लोग मॉर्निंग जावांगे तो ये भी ही वीडियो अपलोड करन दा पूरा पूरा प्रोसेस रहेगी कि असी वीडियो कर चुकी है ना। और किला साहब जी एक बार फिर तुहानू मैं तस्वीर दिखा देनी हूँ, और मेरा पहला व्लॉग है कि मैं बोल के बना रही हूँ। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं अच्छा तो अच्छा व्लॉग बनाऊँ। गुरुद्वारे की परिक्रमा करते हुए जिन्ना हो सकेगा मैं वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, और व्यू भी बहुत सोहना है। सब किला साहब जी दीवार उत्ते बैठे हुए चढ़ के, पूरा आनंदपुर साहब जगमगा रहा है। तुम यहाँ पर खड़े हो, मैं आपकी फोटो क्लिक करती हूँ। हाँ इधर ही हो जाओ। नहीं रोएगा कि मस्त लग रही है। गने गने सारे है ना, देखने कुछ यू भी के लिए। वाहेगुरु जी का नहीं सॉरी। हेलो फ्रेंड, तो आज असी सारा गुरुद्वारा दे दर्शन करके हूँ अपने रूम जाके नहा के सो गए, सोन वाले हैं। तो असी सोचा हम थोड़ा जहा ब्लॉग लै रह गया है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि किमें दा लग्या। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत वधिया है, नैक्सट टाइम भी सोचांगे आने का, पर भीड़ भड़ाका बहुत है। भी एक्सपीरियंस बहुत वधिया है, बस बोली साहब थले उतरते गए जो चढ़न लगे साड़ी हालत बुरी हुई। 45 सीढ़ियां तो बाद बस रुक रुक के चढ़ी आए हैं उत्ते। और तुम लोग सोचोगे कि कितना दी पंजाबी है, साडे दिल्ली वाले दी इतना दी हुंदी है। असी पंजाबी ना हिंदी ना पंजाबी नहीं आंदी सानू, नहीं आंदी। पर ये है कि बौली साहब असी लोग जाना नहीं सी, तो असी लोग उपर किला साहब मत्था टेकन गए। भोपाली भाषा भी असी लोग सुनी, और असी भी गल भी आ गई थाने भोपाली दी आत्मा भी आ जांदी इहदे अंदर कदी कदी। और हम आप सवेरे किधर जाना है दीदी, सानू किधर लेके जा रहे हैं? नैना देवी। अब कल हम से जाना है ममता जी ना नैना देवी, और सवेरे 4 बजे, और परसों अर्ली मॉर्निंग हमारे 4 बजे बैक टू दिल्ली। और तुसी साडे ब्लॉग देखते रहने हैं, सानू कमेंट जरूर करना है, सानू कमेंट करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। कमेंट करने ना सानू थोड़ा ना हौसला होता है कि असी और करिए, और अच्छा बनाइए, और अच्छे ब्लॉग करिए। बीबी कुलजीत कौर वॉच एंड सब्सक्राइब तानू। अच्छा आज असी पूरा दिन बहुत अच्छा एंजॉय करिया। की चीज एंजॉय कीती अच्छे सबसे ज्यादा तुसी की चीज, एक कैमरा दा अनुभव दसना चाहेंगे मेरी सिस्टर अपने लिए जिहड़ा मेरे नाल अज होया है। सबसे ज्यादा मैं ट्रैक्टर ट्रॉली दे जो डेकोरेट कीती हुई ट्रॉलियां ट्रैक्टर है वो एंजॉय कीती। इन्नी लाइटिंग और इन्नी खूबसूरत सजावट, खुश हो गया, लग्जरी रेस्टोरेंट को भी फेल कर गया बिल्कुल। मतलब कि ये है कि अपन लोग का देखे नहीं सी, पर सुनिया बहुत सी, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सुनिया सी कि भैया किसान लग्जरी ये कर रहे हैं, इन्ने इन्ने पैसे उन्हां दे कोल कित्थों आ रहे ने, लखां दा खर्च कीता है ट्रोलियां च, बट अज देखिया, बट प्राउड ऑफ सिख कमेटी की भाई बहुत अच्छा कर देने वो सब दे वास्ते बारे सोच देने। और आज लंगर विच भी असी सोच के असी लंगर विच हर एक चीज खा ली सिवाय एक चीज दे, बहुत गर्व है साडे सिख होते। हां जय जवान जय किसान, आई प्राउड टू बी सिख आउट गर्ल्स। और हुण इक साडी सीरी है सानू वेख के हास रही की मेरी चार भूआ की कर दिया पई है, असी की करना, असी बैठे हैं गप्पा मार रहे हैं, बस असी अपने किसानां दी गल्लां कर रहे हैं और अपने पंजाब दी गल्लां। और कल का की प्लान है तुहाडा? नैना देवी जावांगे और माता जी करके उत्ते चढ़ांगे। जय माता दी, जय माता दी, सवेरे मिलेंगे तुहानू, सवेरे मिलदे आ तुहानू, गुड नाइट, जय माता दी। नहीं मेरा लंगर तो चल रहा सी, लंगर तो सब कुछ खा लिया, लेकिन एक चीज रह गई है, खीर। खीर
खीर बाबा जी कह रहे हजे दिल्ली वाले नु खीर नहीं मिलेगी। मिली जी दोपहर इन्होंने खाधी नहीं। हाँ जो बोल रहे बीबी बलजीत कौर है ना जी इन्हों का की हॉबी है। असि ना सा साड़ी डॉटर्स भी आई हुई असि सोचे कि ना असि इन्होंने लाइव लोकेशन पा दें आप क्या हम आप चार एक एक अलग सीन है नहीं मैं बोल के जावगी असी क्या बीबी बलजीत जो बलजीत कौर का लोकेशन है ना ये मिलेगा सारे लंगर हॉल इन्हों का मिलेगा दुकाना उत्ते मार्केट करते हुए शॉपिंग वगैरह विंडो शॉपिंग का और जो दीदी है इन्हों का मिलेगा सानू टूर एंड ट्रैवल दी टूर एंड ट्रैवल्स दे कोल आन जाने चक्कर च क्यों क्योंकि इन्हों का बार बार चक्कर ही उधर लग रहा है बार बार जाते हैं गड्डिया पुछ के आते हैं फिर गड्डी कैंसिल हो जाती है फिर आ जाने फिर गड्डी कराने फिर गड्डी कैंसिल हो जाती आ जाते हैं इन्हों की लाइव लोकेशन सानू हमेशा टूर एंड ट्रैवल से मिलेगी इन्हों की मिलेगी सानू विंडो शॉपिंग इन्हों की मिलेगी लंगर अज दा ब्लॉग समाप्त कर दिया और वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।